अगर मुझे कहीं जाना वाना है या दिन में, तो मैं मेबिलिन का या फिर लैक्मे का लिप लव जो आता है वो भी लिप तो आई लग दिया जिस हिसाब ना चल दी। Hey guys, welcome back to my channel, My Life, My Experience by Nidhi, और मैं हूं निधि। सो दोस्तों, आज का वीडियो एक हॉल वीडियो है जिसमें शेयर करूंगी स्किन केयर प्रोडक्ट्स। इसलिए शेयर कर रही हूँ ये वीडियो बेसिकली क्योंकि नायका पे चल रही है पिंक फ्राइडे सेल। 29th और नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 2nd ऑफ दिसंबर तक आई थिंक चलेगी। तो अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह परचेस करने हैं, सेल का फायदा उठाना है क्योंकि उसमें मिलेगा आपको 40% ऑफ, तो अगर आपको उसका फायदा उठाना है तो आपके पास आइडिया होना चाहिए। तो आज मैं आपको वो आइडिया ऑप्शंस दूंगी कि आप कौन कौन से विंटर स्पेशल प्रोडक्ट्स अपने स्किन के लिए ले सकते हैं। तो ये वीडियो मैं दो पार्ट में शूट कर रही हूँ। एक में मैं फेस के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी आज के वीडियो में, और कल जो वीडियो आएगा उसमें शेयर करूंगी हेयर केयर एंड बॉडी केयर प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, और ये सारे प्रोडक्ट्स मैं एक महीने से यूज कर रही हूँ क्योंकि मैंने इनको परचेस किया था अमेजोन से दिवाली के टाइम पे, क्योंकि दिवाली से विंटर्स तो स्टार्ट हो ही जाती हैं। तो तब से मैं यूज कर रही हूँ और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे। एक दो प्रोडक्ट्स जो मुझे पसंद नहीं आए थे उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया, तो वो इन वीडियोज में कहीं नहीं आने वाले हैं क्योंकि नेगेटिव चीजों की क्यों बात करनी भाई। सो आप पॉजिटिव मैं बताने वाली हूँ, और अमेजिंग रहा मेरा एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि इस बार मुझे जो भी प्रोडक्ट्स मैंने लिए टचवुड वो बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और काफी अफोर्डेबल भी होने वाले हैं, बहुत ज्यादा महंगे कुछ भी नहीं है। सो विदाउट मच डू लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस स्किन केयर में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो बहुत अमेजिंग सा नीविया का ये फेस वॉश है। सबसे पहले हमको फेस वॉश करना होता है तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, मिल्क डिलाइट, ड्राई स्किन के लिए स्पेशली है ये, लेकिन विंटर्स के अंदर मेरे ख्याल से सारे स्किन वाले इसको यूज कर सकते हैं। बट इसमें और भी ऑप्शंस हैं ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए, तो सबके लिए आप चेक कर सकते हैं। बट जिनकी नॉर्मल है या ड्राई स्किन है वो तो परफेक्टली ये वाले को आप यूज कर सकते हैं क्योंकि विंटर्स में ऑलरेडी स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसको यूज करके, और एकदम ऐसा लगता है जैसे मलाई या दूध से आप अपने फेस को क्लीन कर रहे हो, और थोड़ा सा लगाने से भी हो जाता है। तो इसकी क्वांटिटी जो है वो है 100 ml का, ये 165 इसकी एमआरपी है, तो ये इसका प्राइस है, और आफ्टर डिस्काउंट आपको जो भी पड़ेगा तो 100 ml आपको क्वांटिटी मिल जाती है, तो काफी ठीक ठाक प्राइस है। लेकिन हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा आजकल ये मैं काफी टाइम से वैसे यूज करती हूँ, समर और मानसून के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन विंटर्स में ये थोड़ा सा स्किन को ड्राई करता है, तो इसलिए वैसे ये ऑल स्किन टाइप है बट विंटर्स में थोड़ी स्किन ड्राई होती है, और ये स्क्रब वॉश वाला फेस वॉश है, तो मैं इसे वीकली बेसिस पे या दो बार ऐसे यूज करती हूँ या फॉर चेंज यूज कर रही हूँ, बट रेगुलर बेसिस पे मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। तो ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, आप ये यूज कर सकते हो परचेस की, काफी अच्छा ये वाला फेस वॉश है। ये कितने का है? ये 270 रुपीज का है और इसकी क्वांटिटी 300 ml है, तो आई थिंक काफी अफोर्डेबल भी है, काफी अच्छा इसका रिजल्ट भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रब की, तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्क्रब जो है वो एवरीथ का ये वाला स्क्रब है, वॉलनट स्क्रब, मेरे को ये काफी पसंद आता है। इसके अलावा और भी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर कर दिए हैं अभी कुछ नया ट्राई करने के लिए, तो वो जब आएंगे तो उनके बारे में बात करूंगी। बट फिलहाल मैं या तो ये यूज करती हूँ या तो होममेड कुछ स्क्रब्स भी यूज करते हैं, चारकोल पाउडर वगैरह डाल के भी मैंने कई DIYs बनाए हैं। एंड फेस पैक पे मैं यूज कर रही हूँ ये वाला एवर यूथ नेचुरल्स का रिजुविनेटिंग कुकुम्बर एंड एलोवेरा फेस पैक, बहुत अच्छा फेस पैक है, और इसके अंदर वो खीरे का जो स्मेल है बहुत ही अच्छा लगता है, लगाने के बाद आपका फेस जो है वो ठंडा ठंडा सा फ्रेश फ्रेश सा फील करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी काफी अफोर्डेबल है, ये है 30 ग्राम्स, 35 रुपीज का, तो आई थिंक गुड है, और ये काफी टाइम चल जाता है, मतलब आप देख सकते हो इसको रोज वाटर में मिक्स करके भी लगा सकते हो और ऐसे भी आप लगा सकते हो, तो ये बहुत अच्छा है। इसका रिव्यू चाहिए तो बताना आप मुझे। एंड नेक्स्ट आता है एक और मेरे पास फेस पैक जो है वो बायोटिक का, ये बायो फ्रूट व्हाइटनिंग एंड डी पिगमेंटेशन फेस पैक, जो कि विंटर्स के लिए काफी अच्छा है, विंटर्स में काफी पिगमेंटेशन हो जाती है तो उसके लिए काफी अच्छा है। मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी हर्बल वाली खुशबू आती है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये है 199 रुपीज का, 75 ग्राम, बट ये बहुत ज्यादा चल जाता है, बहुत ही अच्छा ये पैक भी है, आप यूज कर सकते हो। तो ये है एक ऑप्शन विंटर के लिए, तो दो पैक मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा DIYs तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हो, मेरे चैनल पे बहुत सारे मैंने DIYs पैक वगैरह बताए हुए, तो आप वो भी चेक कर लेना, स्किन केयर वाला प्लेलिस्ट है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है ये लिप बाम मैं यूज करती हूँ, बायोटिक का लिप बाम है इसका, ये प्रिंट प्रिंट जो भी है ये मिट्टी है, ये एक्चुअली काफी टाइम से मैं यूज कर रही हूँ, सो ये बहुत ही अच्छा है, आप देखो ये खत्म होने वाला है,
लेकिन ये बहुत लंबा चलता है और इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये है 175 रुपीज का आपको मिलता है, 12 ग्राम मिलता है। बट गाइज ये साल भर से भी ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, काफी नेचुरल है, ऑब्वियसली बायोटिक का है तो इसका प्रोडक्ट काफी अच्छा है। इसका नाम अगर बताऊं तो बायो फ्रूट लिप बाम है बायोटिक की तरफ से, तो आप ये भी परचेस कर सकते हो। ये जस्ट टिंटेड नहीं है बिल्कुल भी और इसको रात में लगा के आप सो तो अगर आपके जो लिप्स हैं ड्राई हैं या कुछ है तो ये सुबह तक काफी अच्छा कर देता है। तो ये लिप बाम मुझे काफी पसंद है, अगर मुझे कहीं जाना वाना है या दिन में तो मैं मेबिलिन का या फिर लैक्मे का लिप लव जो आता है वो भी लिप बाम्स वो भी यूज कर लेती हूँ, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है फेस सॉरी टोनर, मैं स्किप कर गई हूँ। तो टोनर रिसेंटली मैं यूज कर रही हूँ ये जोवीज का स्किन टोनर, मजा आ जाएगा गाइस अगर आपने इसको यूज किया तो, ये बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर एकदम खीरे की खुशबू आती है, ये बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे खीरे का रस निचोड़ के इसमें रख दिया है। तो खीरा है इसके अंदर, क्यूकम्बर वाला वेरिएशन, इसके अंदर काफी वेरिएशन आपको मिलेंगे, बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब जाता है। मैं आजकल इसे बहुत पसंद कर रही हूँ तो 2 से 3 बार कम से कम यूज कर लेती हूँ जब भी फेस होती है, और मैंने इसे बाथरूम में ही रख लिया ताकि मैं स्किप ना करूं, बहुत अच्छा लगता है ये मुझे। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी कितने का 170 का है, ये 100 ml का क्वांटिटी आपको 170 में इसका एमआरपी है आफ्टर डिस्काउंट जो भी आपको पड़े, लेकिन ये काफी लंबा चलने में आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा है। तो ये 2-3 स्प्रे में आपका एक बार का हो जाता है तो काफी लंबा ये चलेगा, विंटर्स तो आपके पूरे निकल ही जाएंगे। तो ये तो टोनर हो गया, उसके अलावा मैं DIY टोनर्स यूज करती हूं तो उसका भी जो लिंक है वो आपको यहां पर मिल जाएगा, आप जरूर चेक करना। नेक्स्ट आता है फेस मॉइस्चराइजर, तो ये यूज करती हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर, काफी अच्छा है, सी लाइटेस्ट लाइनलेस एंड स्प्लेनिश्ड स्किन, ये सब इसमें लिखा हुआ है। 280 रुपीज का आपको मिलता है ये 190 ml, बट आप देख रहे हो कि अभी भी इसमें कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है, काफी ज्यादा चलता है, बहुत ही लिक्विडी होता है। अगर बहुत ज्यादा विंटर्स है तो ये थोड़ा सा ज्यादा ऑयली नहीं आपको करता है, बहुत ही लाइट मॉइस्चराइजर है ये, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, काफी मैंने इसको यूज कर लिया, खत्म ही होने वाला है ये, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। और उसके अलावा इसके अंदर आपको कोई SPF वगैरह कुछ नहीं मिलता तो इसके ऊपर से आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट है मेरे पास जो मैं करेंटली यूज कर रही हूँ वो है ये O3 प्रोफेशनल का रेडिएंट व्हाइटनिंग डे क्रीम, बहुत अच्छा है। एक इसके अंदर आपको 2 फायदे हो जाते हैं, एक तो आपको अगर आप घर में ही हैं तो कई बार ये आलस कर जाते हैं कि यार कौन सनस्क्रीन लगाए, लेकिन इसके अंदर क्योंकि ऑलरेडी SPF 30 आपको मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। थोड़ा सा इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और ये भी आपकी पूरी विंटर्स निकल जाएगी इस एक बॉटल में। तो इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, 1050 का है, बट इसके अंदर आपको सनस्क्रीन का कोई खर्चा नहीं करना है तो ये आप जरूर ट्राई करें, मतलब मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा। और खासकर वो लोग जो 25+ हैं वो लोग तो इसको जरूर एक बार ट्राई करें, जो बहुत ही अच्छा लगा और ये काफी आपके फेस को ना एकदम शाइन कर देता है। इसका भी डिटेल रिव्यू मैंने अभी लास्ट वीडियो इसी का शेयर किया था, लेकिन इसको लगाने के बाद आपका जो फेस है ना बहुत ग्लोई ग्लोई सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ शाइन आ गई है, लाइट वाइट जल गई है फेस की, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप ये यूज कर सकते हो। इसके अलावा डर्म डॉग का एंटी एजिंग क्रीम भी है जिसका भी ऑलरेडी मैं रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में, तो आप वो यूज कर सकते हो, विंटर्स के लिए वो बहुत अच्छा है, ऑल स्किन टाइप पे जाएगा और एंटी एजिंग है, लेकिन 20+ कोई भी उसको यूज कर सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। मैं अभी फिलहाल यहां रखना भूल गई हूं तो वो भी मैंने यूज किया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करेंटली मैं ये यूज कर रही हूं और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं अमेजोन वाले, बाकी नायका पे भी आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और इसके पहले लास्ट प्रोडक्ट हमारा आज का है जो है विटामिन सी सिरम, और ये है गुड वाइब्स का जो आपको पर्पल पे ही मिलेगा, नायका और अमेजोन पे नहीं मिलेगा, बट मैंने सोचा जब सारे प्रोडक्ट्स शेयर करी तो ये भी बता दूं। तो ये मैंने यूज करने वाली हूं, अभी मैंने मतलब यूज किया नहीं है, स्टार्ट करने वाली हूँ। गुड वाइब्स का विटामिन सी प्लस विटामिन B3 स्किन ग्लो सीरम, इसके पहले मैं एल्प्स गुडनेस का विटामिन सी सीरम यूज कर रही थी, मैंने अपने एक दो मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो जो मैंने शेयर किया था उसमें दिखाया था, सो मैं वो यूज कर रही थी, अब वो खत्म हो चुका है तो अब मैं ये यूज करने वाली हूँ, और ये आई थिंक काफी होप्स है मेरी इसके साथ, तो यूज करके फिर बताती हूँ कि कैसा है ये। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं, आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट बिना झिझक आप ट्राई कर सकते हो। लिंक्स अमेजोन वाले मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, नायका वाले आप नायका ऐप पे जाकर चेक कर सकते हो।
तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर मुझे बताना, पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना यार, लाइक कर दिया करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना और शेयर करना सबके साथ में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब कर लेना।